वेल आपको बता दें कि तेजस्वी और करण जब से एक दूसरे के साथ है तब से फैंस बस एक ही चीज़ जानना चाहते हैं, दोनों की शादी कब होगी, कब होगी। जब बिग बॉस के घर के अंदर थे और करण ने इसका खुलासा किया कि उनके पंडित जी ने कहा है कि उनकी शादी मार्च में होगी, तब से लेकर यू नो मार्च चल रहा था फैंस का। फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्च के पहले इनकी यू नो एटलीस्ट रोका हो चुका है। करण ने इसके पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया, ना तेजा ने दिया, बट हाँ वी कुड सी कि करण ने कहा कि मैं अपनी फैंस से जो हिंट में बात करता हूँ वो समझ जाते हैं, तो इशारे को समझदार को इशारा काफ़ी है। सो कहीं ना कहीं टीम रोका की जीत हो गई है, ऐसा लोगों का फैंस का कहना है कि नो इनका रोका हो चुका है और अब अगली स्टेप है शादी की। तो जहाँ पे करण को जब भी सवाल पूछा जाता है, करण हैज़ ऑलवेज बीन लाइक अरे वो तो नागिन सिक्स में बिजी है, मेरे हर एक प्लान के ऊपर नागिन डस देती है। तेजस्वी से पूछा तो तेजस्वी इज़ लाइक कि अरे ये करण से पूछो सवाल, मुझसे मत पूछो, वो मुझे प्रपोज करेगा तब हम शादी करेंगे। सो कहीं ना कहीं दोनों ये सवाल को डॉच करते हुए आए, कभी भी डेट के बारे में, शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बट फैंस है कि वो जानना ही चाहते हैं। अब आपको बताया कि एक वायरल वीडियो सामने आ रहा है जहाँ पे मम्मा कुंद्रा जो है उनसे सवाल पूछते हुए पैपराजी नजर आए, और कहीं ना कहीं करण के मम्मी ने सच्चाई क्या है, शादी की डेट क्या फिक्स हुई है, नहीं हुई है, क्या है सच्चाई, वो बताई है। तो चलिए आपको बिना वक्त गवाए इसके बारे में बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ वेदांगी कर्णिक और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल फीफा फूज पे। और आपको बता दें कि मम्मा कुंद्रा से जब ये सवाल पूछा गया, मम्मा कुंद्रा ऐसी थी कि नहीं अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, हमने कोई फिलहाल तो डेट फिक्स नहीं की है। तो यहाँ पे टॉक्स अर ऑन शादी के, ऑफ कोर्स दोनों एक साथ रहना चाहते हैं लाइफ में, यू नो अपना अगला कदम लाइफ का एक साथ लेना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ भी डेट वगैरह नहीं आया। जो भी सामने खबरें आ रही है, रूमर्स है, ये बात प्रूव हो जाती है क्योंकि मम्मा कुंद्रा ने कहा ऐसी कोई डेट का यू नो ऐसी कोई डेट तय नहीं हुई है। बट हाँ ये भी हो सकता है अगर डेट तय भी हो जाए तो भी मम्मा कुंद्रा हो या फिर पापा कुंद्रा हो या कोई भी हो, डेट के बारे में, शादी की डेट के बारे में बताएगा ही नहीं, क्योंकि मतलब ये लोग नॉर्मली जब बाहर निकलते हैं तब इतनी भीड़ उनके पीछे पीछे जाती है। सोचो उनके शादी के बारे में बात पता चली, अगर वेन्यू लीक हो गया तो मतलब वहाँ पे तो पूरी दुनिया भर की भीड़ इकट्ठा हो जानी है। सो इवन इफ द डेट गेट्स फिक्स्ड वो बताने तो नहीं वाले, बट हाँ फैंस का इंतजार तो बस इसी बात का है। इनफैक्ट करण का भी दो दिनों में बर्थडे आ रहा है तो उसको लेकर और ज़्यादा एक्साइटमेंट फैंस में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ गिफ्ट्स करण तक पहुँचने शुरू हो चुके हैं, अब ये देखना होगा कि क्या करण के बर्थडे के दिन कोई स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है, क्या इनका जो रोका हुआ है इसकी एंगेजमेंट की या रोका जो भी है उसकी अनाउंसमेंट होगी, क्या शादी इज़ ऑन द कार्ड्स एनी टाइम सून या फिर नागिन सेक्स ख़त्म होने के बाद ही सोचा जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन इट। बट हाँ ये ज़रूर लिखना मत भूलिए कि आप कितने एक्साइटेड इन दोनों के लाइफ के आगे के जर्नी के बारे में जानने के लिए, उनके लिए आपका कितना है प्यार दिल से। And let me know in the comments. I'll see you soon.